हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल राजी मॉम सोलन एचपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, थैंक यू सो मच आपका, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। फ्रेंड्स, पहले आप सिल को चेक कर लें और फिर इसमें थोड़ा सा पानी पा के देखिए आप, ये आपका बिल्कुल सिलेंडर ठीक है। ये इसमें उबल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कि ये ठीक है। और अगर ये ठीक नहीं होता तो ये इसमें पानी मतलब गैस लीक नहीं हो रही इसमें, ये बिल्कुल ओके। अब इसमें रेगुलेटर लगा लेते हैं। अभी मैं रेगुलेटर ऐसे ही लगा रही हूँ, बाद में फिर ये वाला इसको यूं ऊपर करके रखें और फिर इसको यूं दबाए, और जब तक इसमें आवाज नहीं आती कड़क की, और अब मैंने सिलेंडर लगा दिया है और इसको हम ऐसे करेंगे। इसका धागा टूटा हुआ, ये सिर्फ ऐसे ही लगा हुआ था, उसमें नहीं चिपका हुआ था, तो मैं इसमें धागा लगा के दूसरा फिर उसमें बांध देती हूँ, और ये सील उसके साथ ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि सिलेंडर के बारे में क्यों बताया, क्योंकि मैंने एक दो लेडीज़ों को ऐसे देखा कि उनको सिलेंडर चेंज करना नहीं आता और लगाना नहीं आता। तो मैंने आपको सिलेंडर कैसे लगाते हैं, चेक करते कैसे करते हैं, ये वो उसके बारे में आपसे बात की है। तो आप देख लीजिए, ऐसे सिलेंडर को फिट करते हैं और ऐसे सिलेंडर को लगाते हैं। ये देखो, मैंने इसमें सील लगा दी है, पक्की बांध दी है, और अब मैं सिलेंडर यूज नहीं कर रही हूँ, तो इसका नीचे से बंद है बटन, रेगुलेटर बंद है मतलब। और फ्रेंड्स, दिन के 12 बज चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं खाया हुआ, बस सिर्फ कपड़े धोए, काम का परले वाले रूम में झाड़ू लगाया और किचन की साफ़ सफाई की। अभी कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि लेट उठे तो भी ठीक नहीं है। अभी नाश्ते में कुछ नहीं खाया, बस केला खाया है अभी, और सुबह ब्लैक टी पी थी, क्योंकि मेरी सुबह सुबह डेली ही पेट में दर्द हो जाती है, पता नहीं क्यों। और कुछ भी खाया नहीं जाता, बहुत तबीयत खराब हो जाती है मेरी, पेट में दर्द है और खट्टे टका रहे हैं। और देखिए कौन आया, राज्य दूध आया होना पता नहीं, ऐसे ही लेट आता है हमारा दूध। हाँ, दूध है बेटू, और ब्लैक टी पी थी, क्योंकि पता नहीं गैस्ट्रिक हो रही क्या हो रहा है, उल्टी को भी मन हो रहा था, और कुछ नहीं खाया था, बस अभी बस केला खाया है, और मैंने फास्ट नहीं रखा था, ऐसे ही सजी हुई थी मैं, क्योंकि आस पड़ोस की सभी महिला भी अच्छी तरह जची हुई थी, साड़ियाँ सूड़ियाँ डाली हुई थी सभी ने, बेचारी महिलाओं ने, तो उन्होंने मुझे भी ऐसे ही तैयार किया हुआ था। कोई बात नहीं, अगर आप फास्ट नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप भी ऐसे ही हमारे साथ तैयार हो, तो इसीलिए मैं भी अच्छी तरह तैयार हुई थी। धोए कपड़े, अब इसमें भी कपड़े धोए हुए, इसमें भी कपड़े धोए हुए, धो चुकी हूँ मतलब, अब बस इसको निकालना ही है।